बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सैयद रहमान और हम जो है आज नाइन्थ क्लास शुरू कर रहे हैं, नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स। तो मेरी कोशिश होगी कि आप किस तरीके से पढ़ाऊं कि आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाए और जल्द अज जल्द जो मैं पढ़ाऊं फौरन आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पहले चैप्टर स्टार्ट लेते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास नाइन्थ क्लास है जी ये, इसके 17 टोटल चैप्टर्स हैं और 75 मार्क्स का पेपर होता है। मज़ीद डिटेल पेपर की वो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे मैट्रिसेस का, टाइप्स पढ़ेंगे किस किस्म की होती हैं, की एडिशन मैट्रिसेस की, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। उसके बाद एडजॉइंट है, इस तरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी आप क्लास 8 से पास आउट हो के 9 में आए हैं, तो क्लास 8 तक आपने सेट्स के बारे में फैमिलियर हैं। सेट्स जो था वो आप बिल्कुल इस तरह से मिडल ब्रैकेट्स में उन्हें लिखते थे, और ये क्या है, ये भी उस तरीके से ही है लेकिन इसमें लार्ज ब्रैकेट्स आप यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू में जो है मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम। तो मेरी कोशिश होगी कि उर्दू में समझाऊं ताकि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो मीडियम्स हैं उनके बच्चे मेरे लेक्चर से मुस्तफीद हो सकें। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है पहले, उससे पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। पेज नंबर 2 ओपन कर लें तो इसमें मैथ, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन ब्रांचेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले जो है वो हम मजीद इसकी 1.6 एक्सरसाइज भी है, उसमें हम देखेंगे किस तरह हम इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। इन ब्रांचेज में मैट्रिक्स यूज होती है। सबसे पहले जो था, जो आइडिया जिसने दिया मैट्रिसेस का, वो था आर्थर कैले। इंग्लिश साइंसदान था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था 19th सेंचुरी में, और जो उसने पहली जो उसकी डेवलप थी वो थी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। तो 1858 से जनाब ये मैट्रिसेस शुरू हो चुके हैं, तो चलते चलते आपकी बुक में भी आ गए हैं और पहला चैप्टर आपका इन्हीं के बारे में है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलें जी इसकी डेफिनेशन पे आते हैं पहले। मैट्रिक्स और उर्दू में कॉलम, तो क्या चीज है ये मैट्रिक्स? मैट्रिक्स में क्या होगा, अ रेक्टेंगुलर अरे, एक रेक्टेंगल की फॉर्म होगी, ठीक है। और जब मैं इधर रेक्टेंगल बोला तो आप ये मत समझिएगा कि यही रेक्टेंगल होगी इधर, ठीक है। अगर कल को आप इस तरह की मैट्रिक्स देखें और आप बोलेंगे तो डेफिनेशन क्या है, फिर रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, ये तो स्केयर है। तो बेसिकली जो स्केयर होता है वो ही रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन क्योंकि उसकी खासियत एक ज्यादा होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम उसे स्केयर बोलते हैं। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है कि जी क्या हो, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हों और 90 डिग्री के एंगल्स हों। तो देखें इसमें भी इक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो लेकिन इसमें इजाफी खसूसियत है कि सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं। तो लिहाजा रेक्टेंगुलर एरे से मुराद है कि रेक्टेंगल भी इस तरह भी हो सकती हैं और उसमें इस फॉर्म में भी मैट्रिसेस हो सकती हैं। रेक्टेंगुलर एरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपने फॉर्मेट करना है, उसे तरतीब देना है। ऑफ अ कलेक्शन, कलेक्शन कहते हैं चीज़ों को इकट्ठा करना, यानी जिस तरह नंबर्स को आप इस ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा कर देंगे तरतीब के साथ, फॉर्मेशन के साथ। ये नहीं कि कोई नंबर कहाँ लिख दिया, कोई कहाँ लिख दिया, कोई कहाँ लिख दिया, इस तरह नहीं, बल्कि एक तरतीब के साथ नंबर्स को हमने इकट्ठा करना है। किधर इकट्ठा करना है, कौन से नंबर होंगे? ऑफ अ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स होंगे। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल।
अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ये हम पहले भी आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, मजीद हम नेक्स्ट चैप्टर 2 में इसकी डिटेल से डेफिनेशंस करेंगे। तो बेसिकली अब इतना समझ लें कि रियल नंबर्स में हर किस्म के नंबर्स आ जाते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अलावा वो बाद में बताएंगे आपको कि इसमें बटे वाले भी आ सकते हैं, इशारे वाले भी आ सकते हैं, तो यानी इसके अंदर किसी तरह के भी नंबर आ सकते हैं, बटे वाले भी इशारे वाले भी, ठीक है, और जिसे आप फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन वाले भी आ सकते हैं और डेसिमल वाले भी नंबर आ सकते हैं। रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7, कोई से उसने 6 नंबर ले लिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, सच एज फिर उनको क्या किया हमने, फॉर्मेशन में ले आए, तरतीब में ले आए, ठीक है, एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, फिर आपने क्या करना है, तरतीब देने के बाद उनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना है, इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, तो ये क्या बन जाएगी जनाब, आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो बहुत आसान, उम्मीद आपको याद होगी होगी डेफिनेशन क्या है जी, दोबारा से देख लें, अब रेक्टेंगुलर एरे रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7, उसको तरतीब दी एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, ठीक है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। इसके बाद पहले जो था सेट में आप इस तरह की ब्रैकेट यूज करते रहे थे, ठीक है, लेकिन अब इधर स्क्वायर ब्रैकेट, इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसे मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं और इसे स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है जी, इसे ओपन भी कहते हैं, वो अलग से नेम है, ठीक है, और टोटल इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये डेफिनेशन के बाद जो मेन है कि इनमें कुछ आप देख रहे होंगे कि कुछ लाइन इस तरह से एक तरतीब बन रही है और कुछ इस तरह से तरतीब बन रही है, ठीक है जी, नजर आ रहा है ना आपको कि एक हमारे पास बिल्कुल इस तरह से है, हॉरिजॉन्टल तरतीब बन रही है, ये देखें हॉरिजॉन्टल, और एक तरतीब आपको इस तरह की नजर आएगी, ये देखें ये क्या है, वर्टिकल, और उर्दू में अगर हम देखें तो ये उसकी और ये अमूदी। तो अब हम बढ़ते हैं कि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स, इसकी जो इतनी डेफिनेशन लिखनी है और साथ में ये वैसे एग्जांपल भी थी, आप मजीद एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि नंबर ना कटें, तो ईजी लिख के ये 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को किन नंबरों से शो करते हैं, लार्ज अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स से आप उनको शो करते हैं, और मैट्रिसेस के अंदर स्मॉल अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से जिस तरह आपने सेट्स को पढ़ा था कि सेट्स को हम लार्ज से डिनोट करते हैं और उसके अंदर स्मॉल अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की कितारें, तो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स एक को कहते हैं, और जो लफ्ज है मैट्रिसेस, तो ये ज्यादा एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो फिर उन्हें हम मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है, और यही बताया हुआ बात रखने के इनको बड़े लेटर से शो करते हैं और इंग्लिश अल्फाबेट से इनको शो करते हैं। अब आ जाएं सेकंड पेज के नीचे जहां पे 1.1.1 रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं ना रोज कौन से होती हैं, तो उसने आपको देखे हैं बुक के ऊपर ये भी एग्जांपल दी हुई है, मैं वही कोड कर लेता हूं, 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1, ठीक है जी, तो इसमें रोज कौन सी होंगी, मैं भी पहले ही बताया, मजीद हम बताते हैं कि ऐसी लाइंस ये देखें ये बनी इस तरह से हम देखेंगे कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल कितनी बन रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये एक बन गई हॉरिजॉन्टल और एक ये बन गई, तो आप क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रो वन, इसे रो टू, इसे रो थ्री, तो टोटल हमारे पास 3 रोज हो गई इसके अंदर, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सिंपल सी डेफिनेशन ये सेकंड पेज के ऊपर नीचे नीचे लिखी हुई है और आप निशान लगा सकते हैं, द एंट्री इज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज, यानी ऐसी नंबर्स
ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल वे में होंगे और उर्दू में से कहेंगे उफकी, उफकी हालत में जो होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, रोज कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं अब मैट्रिसेस की तरफ, अपना कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। तो कॉलम्स क्या होंगे, तो देखिए जी कॉलम के लिए मैं वही बुक वाली एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, लेकिन 2, 3, 5, 0, 1, -1, 3, 2, 1 तो ये है हमारे पास जी। अब इसमें जो अमूदन होंगे मतलब वर्टिकल लाइंस, ठीक है जी, तो पहले समझ लें हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होता है, ठीक है, बिल्कुल सीधा, और वर्टिकल इस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल ये और वर्टिकल इस तरीके से इसे बोलते हैं। तो इसमें वर्टिकल लाइन देखें 1, 2 and 3, तो इसको देखें C1 कह रहा है, इसको C2 कह रहा है और इसको C3 कह रहा है, तो टोटल कॉलम इसके अंदर कितने हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। इसके बाद है जनाब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर, बेसिकली ऑर्डर से हमें पता चल जाता है एकदम कि मैट्रिक्स कितनी के बड़ी है, ठीक है, ऑर्डर देखते सारे। तो ऑर्डर होता क्या है, आइए देखते हैं। कहते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, इसके अंदर 2, 3, 4, 9, 1, -7, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। बेसिकली आप क्या करना है, ऑर्डर के लिए आपको पता होना चाहिए कि रोज किन्हें कहते हैं और कॉलम किन्हें कहते हैं, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बता के हटा हूं। तो इसमें देखें रोज कितनी है, ये देखें पहली रो और ये दूसरी रो, तो आप क्या करेंगे रोज को जितनी रोज गिनेंगे और उसको यहां पे लिख लेंगे 2 रोज, ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, कॉलम्स देखने हैं इसके। अब कॉलम्स इसमें कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो 3 कॉलम है इसके अंदर। तो आपने क्या लिखना है, जस्ट बाय लिखना है और फिर क्या लिख देना है, 3। ये तो समझा दिया मैंने कि ये होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब डेफिनेशन किस तरह से लिखनी है, आपने उसको याद कैसे करना है, ये हम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ रोज, ये आपका पेज नंबर 3 के ऊपर लिखी हुई है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, यानी जो रोज और कॉलम होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं, वो बताते हैं हमें उसका ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स एम हैज एन रोज एंड एन कॉलम्स, इसमें एम रोज से मराद है कि फर्ज किया जितनी भी रोज होंगे उसको हमने एम का नाम दे दिया, और एन कॉलम मतलब अगर 5-7 जितने भी हों, 100 हों 150 कॉलम्स हों, तो उसको हमने एन का नाम दे दिया। देन एम इज सेट टू बी ऑर्डर, तो एम का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, वो वही होगा क्योंकि जितनी रोज होंगे उनको पहले लिख लेंगे और जितने कॉलम्स होंगे उनको बाद में लिख लेंगे। तो हमने कहा कि इसकी एम रोज हैं तो एम को पहले लिख लिया, और एन कॉलम्स हैं तो एन को बाद में, तो क्या बन गया, एम बाय एन। तो इसका ऑर्डर क्या होगा जनाब, एम बाय एन। फिर उसने फॉर एग्जाम्पल दी हुई है एम 1, 2, 3, 1, 0, 2, ये उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है, और फिर उसने बताया है कि इसका ऑर्डर 2 बाय 3 है। किस तरह 2 बाय 3 हुआ, 2 रोज और 3 कॉलम्स, पहले रोज लिखी फिर बाय और फिर 3 कॉलम, बाय और 2 के दरमियान छोटी छोटी डैशेस आपने डाल देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और उसमें और लिख रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, एन मैट्रिक्स लिखी हुई है, देखें 1, 2, 3, -1, 1, 0, 2, 3, 7, तो उसमें क्या लिखा हुआ है जी, उसको ऑर्डर उसने लिखा हुआ है 3 बाय 3, ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 बाय 3, ठीक है। अब 3 बाय 3 इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपकी बुक में अभी फिलहाल इस तरह से लिखा हुआ है 3 बाय 3, बड़ी क्लासेस में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह आपने लिखना है 3 by 3। उससे बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, उसने फिर एक पी दी हुई है, उसमें सिर्फ एक ही रो है और 3 कॉलम है। ये देखें पी 3 2 5। अब देखें इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है और कॉलम अगर हम देखें तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 by 3। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इससे अगली डेफिनेशन के ऊपर और उसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। मजीद आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि मुझे डेफिनेशन यहाँ पे लिखने की जरूरत है या आप बुक से कर लेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जिस तरह छुट्टियां हैं कोरोना की वजह से तो आप घर बैठे आराम से स्टडी कर सकते हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि मज़ीद आप पढ़ना चाहते हैं और अगली वीडियो भी, ताकि जैसे हम अपलोड करें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकॉन होगा वो प्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड किया करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम करते हैं इससे अगली डेफिनेशन, वो है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल इक्वल मतलब बराबर किस तरह से होंगे जी, देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, फर्ज किया कि ए और बी जो हैं वो टू मैट्रिसेस हैं। चलेंगे लिख देता हूं मैं, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ए is said to be equal to B is said to be equal to B and denoted by A equal B if and only if. लेने कहते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस होंगी कोई सी भी, ए और बी, उनके डिफरेंट नेम्स हैं, तो बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल कहलाएगी। कब कहलाएगी? एंड डिनोटेड, हम उसको डिनोट करेंगे ए इक्वल बी, यानी उन दोनों के दरमियान इक्वल का साइन लगा देंगे, इफ एंड ओनली इफ, यानी ये बता रहे हैं कि क्या क्या हो उसके अंदर। तो उसने दो कंडीशंस हैं इसके अंदर, ठीक है जी। पहली क्या है हमारे पास, the order of A is equal to the order of B पहली condition तो ये होनी चाहिए, and their corresponding entries are equal, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर का भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो ऑर्डर क्या होता है, रोज और कॉलम्स से पता चलता है, रोज को पहले लिखते हैं कॉलम्स को बाद में, यानी जितनी रोज इसकी हो उतनी ही रोज इसमें होनी चाहिए, जितने कॉलम इसमें हो उतने ही कॉलम इसमें होने चाहिए। ठीक है, फिर वो एग्जाम्पल भी देता है, चलिए इसकी एग्जाम्पल मैं इधर से आपको देता हूँ। रिफर्स करें, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 5 7 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 - 4 2 1 - 4 2 + 1 और 4 - 2। ठीक है, अभी जो 2 + 1 है बेसिकली ये कोई इधर से तीन कॉलम्स नहीं है, ठीक है, ये एक ही कॉलम है क्योंकि ऐड होके इसने जस्ट एक ही नंबर बन जाना है। ठीक है, तो 2 + 1
on 3, तो अगर आप समझें कि लेंज इसके ऑर्डर ही नहीं इक्वल है तो 1 2 plus 3 कॉलम्स बन गए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 plus 1 बेसिकली एक नंबर ही है। अब देखें इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज 2 कॉलम 2 by 2, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स 2 by 2, तो दोनों के ऑर्डर्स तो हो गए सेम और जो हमारी पहली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट है देयर करस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब करस्पोंडिंग का क्या मतलब होता है, करस्पोंडिंग का मतलब होता है कि उसके मुकाबले में, यानी अगर इधर पहले पहले नंबर पे सबसे ऊपर ऊपर कोने में 1 पड़ा है तो इधर भी वही होना चाहिए, ठीक है। और 3 के मुकाबले में 1 के आगे इस तरफ 3 है तो इसके आगे जो इधर इस तरफ 3 है इधर भी 3 होना चाहिए, तो इधर 3 नहीं है तो 2 प्लस 1 है, तो फिर क्या हुआ, 2 प्लस 1 भी इक्वल टू 3 होता है। तो जस्ट आपने वो घुमाने की कोशिश करेगा आपको, लेकिन आपने घूमना नहीं है क्योंकि आप टीचर सेठ के स्टूडेंट हैं। तो लिहाजा देखें 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री इधर 1, 3 की करस्पॉन्डिंग इधर एंट्री 3 है, ठीक है, और माइनस 4 की करस्पॉन्डिंग इधर से ये नंबर बनेगा और 2 के करस्पॉन्डिंग इधर से ये नंबर बनेगा, तो ये इक्वल है, ठीक है जी। तो अगर इस तरह नहीं होगा, कोई भी सेम नहीं होगा नंबर और ऑर्डर सेम नहीं होगा, तो हम उसे कहेंगे ये नॉट इक्वल है। तो इस लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं, ये ख़त्म करते हैं लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा इसमें, क्या आपको अच्छा लगा और क्या मज़ीद बेहतरी हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।